मिस महनूर, धमकियां दी थी उसे, उसका पीछा करते हो, बदनाम कर रहे हो उसे। चलो थाने, तुम्हें सब पता चल जाएगा वहां पे। मौला बख्श जी सर, गिरफ्तार करो इसे। कहीं ये सकलैन भाई ने तो नहीं किया? और मुझे लग रहा है कि अब वो जानबूझकर मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहे। प्लीज एक बार उनसे बात कर लें, वो मेरे साथ चले और पुलिस स्टेशन से जाकर हम कंप्लेन वापस ले लें। क्यों कंप्लेन वापस लें वो? और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। यार इन्हें समझाओ, मैं फराज भाई को कहाँ कहाँ ढूंढूंगा। अरे जान पर तो नहीं लेकर गए होंगे ना, इसी शहर में ही होगा। जाओ जाकर पता करो, पता चल जाएगा मेरे बच्चे का। माहिर, कुछ पता चला फराज भाई का? ऐसे कैसे पता चल सकता है यार? तुमने पुलिस स्टेशन जाके चेक भी किया है या नहीं? हाँ गया था, उनके ऑफिस से करीब जो थाना है ना वहां गया था, लेकिन फराज भाई थे नहीं वहां पर। कहाँ ले गए होंगे वो लोग मेरे बच्चे को? किस हाल में होगा वो? खाना मिलेगा आज या नहीं? खाना दो इसे। कितने बेहसे हो तुम? तुम्हारा भाई किस हाल में है? तुम्हें खाना खाने की फिक्र हो रही है? तो ठीक है, अगर मेरे भूखे रहने से फराज भाई मिल जाते हैं तो नहीं खाना मुझे खाना। अम्मी रहने दो इसको भूखा, नहीं मर जाएगा एक दिन में। मेरे बच्चे को किसने खाना दिया होगा कि नहीं? उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? छामी आप पानी तो पिए, रोए नहीं, सब सही हो जाएगा। इंतजार में होगा मेरा फराज। सुबह हो गई अभी तक नहीं आए, फोन भी बंद जा रहा है। कहाँ थे रात भर आप? तुम्हें मैंने मैसेज करके बताया तो था कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे हैदराबाद जाना पड़ रहा है। रात काफी ज्यादा हो गई थी, मैंने ट्रैवल करना मुनासिब नहीं समझा तो वहीं दोस्त के यहाँ रुक गया था। लेकिन आपका फोन क्यों बंद था? सारी रात मैं आपको कॉल करती रही हूँ, फिर आपका नंबर भी ऑन हुआ लेकिन आपने रिसीव नहीं किया और फिर वो ऑफ कर दिया। यार इंसान कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जब वो फोन अटेंड नहीं कर सकता। अब मेरी भी तो कोई परेशानी हो सकती है ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या परेशानी है आपको, क्या हुआ? नहीं कोई परेशानी नहीं मुझे, और अगर मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताऊंगा अभी तो क्या हल निकालोगे इसका? अब ये बताओ कि तुम बार बार मुझे फोन क्यों कर रही थी? और मानूर का भी मुझे काफी दफा फोन आया, मैं उसे कॉल बैक नहीं कर सकता। मानूर आई थी, कह रही थी कि आपने उसके कोलीग पर हरासमेंट का केस किया है। हाँ किया है मैंने उस पर केस, वो मेरे सामने मानूर को धमकियां दे रहा था तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा मजा चखाते। वैसे भी मानूर उसकी वजह से जगह जगह बदनाम हो रही थी तो कोई ना कोई एक्शन तो मुझे लेना ही था। मैंने सोचा इसी बहाने उस लड़के से मानूर की जान छूट जाएगी। बहुत गुस्से में थी, नाराज हो रही थी, कह रही थी कि आपने उसके कुलीग पर हरासमेंट का केस क्यों किया? फराज ऐसा नहीं है, अब उसकी ऑफिस में बदनामी होगी। एक तो तुम्हारी बहन के साथ नेकी करना अपने सर गुनाह लगवाना, इसे वही उसकी शादी वाला मामला हो रहा है। मेरा ही दिमाग खराब है, हमेशा मैं उसका अच्छा करने जाता हूँ और आखिर में मैं ही मुजरिम कहलाता हूँ। अब खुद ही देख लो, वो अपने आप को उस दिन इस तरह डिफेंड कर रही थी जैसे फराज से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। खैर अभी इस मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत थका हूँ, सारी रात का जागा हुआ हूँ, उस पर अभी ट्रैवल करके आया तो मेरे लिए नाश्ता बना दो, उसके बाद मैं सोना चाहता हूँ। हाँ मैं अभी बनाकर ला रही हूँ नाश्ता। पूरी रात गुजर गई, मेरा बच्चा घर नहीं आया। अम्मी आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ये मैंने चाय बनाई है, आप प्लीज चाय पिए। नहीं मुझे नहीं पीनी चाय, मेरे तो हलक से पानी का घूंट ही नहीं उतर रहा। अल्लाह सत्यानाश करे उस बदबख्त का जिसने फराज से अपनी दुश्मनी निकाली।
शाला कैसे छुड़ाए हम उससे, हमारी तो कोई जान पहचान ही नहीं है। पहले भी तो फराज के ऑफिस वालों ने, हाँ तुम जाकर माहिर से कहो ना, वो उसके ऑफिस में जाए और उन लोगों से बात करे, जाओ जाकर जगाओ उसे। अच्छा मैं बात करती हूँ, आप ये चाहे तो छोड़ दे इसको, जा तू। अरे जा भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने अनीका से कहा था। कौन से पुलिस स्टेशन में? ठीक है मैं बस आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, अभी मैं पहले जाकर खुद बात कर लेती हूँ, अगर आपकी ज़रूरत हुई तो आपको बता दूँगी। जी जी, थैंक यू। भाई कहाँ जा रही हो, नाश्ता तो कर लो बेटा। अम्मी नाश्ता करने में बहुत देर हो जाएगी, मुझे फराज को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने जाना है। क्या तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो? जाहिर सी बात है, सकलैन भाई की कंप्लेन लेने वापस तो जाना होगा ना। एक बेकसूर इंसान ने सारी रात जेल में गुजारी है मेरी वजह से, मैं उसे छुड़वाने भी नहीं जा सकती, तो करना पड़ेगा ना। लेकिन माही, आकर बताती हूँ आपको, खुदा हाफिज़। माही देखिए ना, आप मुझे घर पर बात करने दे रहे हैं और ना ही किसी वकील को रब्ता करने दे रहे हैं ताकि मैं अपनी बेल करा सकूं। फॉनेस्टली बहुत ज्यादती करें मेरे साथ। हमने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, अब आप खुद ही बताएं। पूरी रात हमारे पास रहे, कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं ना, ये ले, घर पे बात करें या अपने वकील से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गालिबन आप महानूर हैं, बैठे। जी फरमाए। बगैर किसी दबाव या प्रेशर के मैं ये कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। फराज साहब बेकसूर हैं, ना तो इन्होंने कभी मुझे धमकाया और ना ही कभी मुझे हैरेस करने की कोशिश की। लेकिन आपके भिनोई तो आपके मुतालिक बहुत फिक्रमंद थे और वो कह रहे थे कि आपका इनसे झगड़ा हुआ है और ये जगह जगह आपको बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहनोई को गलत फहमी हो गई थी, फराज ऐसे बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि ऑफिस में इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। ये सब मेरे बहनोई की गलत फहमी का नतीजा है, लिहाजा मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें छोड़ दें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन एक बात बताएं, अगर कोई मसला नहीं था तो पुलिस का टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पुलिस अगर एक्शन ना ले तो पुलिस बदनाम, और अगर एक्शन ले ले तो फिर कुछ और ही कहानी बीच में से निकल आती है। अल्लाह जाने आप लोगों को कब अकल आएगी। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो जहमत हुई उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप इन्हें ले जा सकती हैं, छोड़ दो इन्हें। थैंक यू। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या।
दरअसल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ। सकलैन भाई ने इस बारे में मुझे कुछ पता लगने ही नहीं दिया। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं ऐसा कभी ना होने देती। जो कुछ हुआ है उसकी फिक्र नहीं है, जो होने वाला है उसके लिए परेशान। ऑफिस में सबको पता चल गया है, आई हैव नो आइडिया उनको फेस कैसे करूँ। सिर्फ आप ही नहीं, मेरा भी नाम खराब हुआ है सबके सामने। मुझे भी सबको अपनी सफाई देनी होगी। एक काम करते हैं, साथ में ऑफिस चलते हैं, बल्कि पहले आपके घर चलते हैं। आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, एक बार आपको देख लेंगे तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद फिर साथ में ऑफिस जाते हैं, मैं बॉस को सब एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम आज की आज ही सॉल्व हो जाए, क्या कहते हैं? चलें। ओके। उनकी मैनेजर ने किया है, मानू नाम बता रहे थे। ये वही है जिससे भाई का झगड़ा हुआ था? नहीं माहिर, वो प्रॉब्लम तो कब की सॉल्व हो चुकी है। पता नहीं ये वही मसला या फिर कोई और। अरे दूसरा क्या मामला हो सकता है? अम्मी आपको नहीं पता, ऑफिस में साथ काम करने वाली लड़की जब हैरेसमेंट का केस करे ना तो क्या होता है? हो सकता है कि फराज भाई ने सुना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा इस तरह की हरकत कर नहीं सकता। अरे फराज ने तो कभी आंख उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा, और वो भी इस तरह की हरकत करेगा अपने बॉस के साथ? अल्लाह गलत करे उसकी बॉस को, झूठ बोल रही है, बहतान लगा रही है मेरे बच्चे पे। अम्मी फराज बेटा ठीक हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई आप आ गए। आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। अरे तुम्हें पुलिस क्यों लेकर गई थी? वो माहिर बता रहा था कि वो कोई मानू। अरे नहीं अम्मी, वो सभी गलतफहमी थी। ये इस मानू ना, इन्होंने कंप्लेन वापस ले लिया और केस खत्म कर दिया। मानूर आप थोड़ी देर यहाँ बैठे, मैं बस चेंज कर आता हूँ फिर चलता हूँ आपके साथ। तुम कहाँ चल दिए? मुझे ऑफिस जाना है, मैं बस घर ये बताने आया था कि मैं खैरियत से हूँ। आइए। सर आप अंदर नहीं आ सकते। क्या मतलब? मैम बॉस ने फराज साहब को ऑफिस में एंटर होने से मना किया। हम बॉस से बात करने ही जा रहे हैं। मैम सर का कहना है कि वो खुद कॉल करेंगे फराज साहब को, लेकिन अभी उनका ऑफिस आना मना है। ओके, मैं अपना सामान तो अंदर से ले सकता हूँ, इजाजत तो होगी मेरे। जी सर आप आइए मेरे साथ और मेरे सामने सामान उठाइए। एक सेकेंड फराज, मैं बॉस से बात करके आती हूँ।
फराज साहब प्लीज आप साइड में वेट कर लें। सर ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो चुकी है। मिस मानूर मुझे लगता है कि आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। ये देखिए जरा, बजाय ये सिर्फ दो लाइन की खबर है लेकिन ये बहुत बड़ा बवाल है। खास तौर पे फराज और आपका नाम साथ जुड़ते ही चंद घंटों में ही सोशल मीडिया ट्रेंड भी बन जाएगा। लेकिन सर ये सब झूठ है। मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूँ ये झूठ है। आपने वो कंप्लेन वापस लेकर वो फराज को पुलिस कस्टडी से निकालकर इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन इस कंपनी की एक साख है जो इन बातों से बहुत मुतासर होती है। शुक्र करें कि हायर मैनेजमेंट ने सिर्फ फराज के खिलाफ अभी एक्शन लिया है, आपके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं हुई है। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि कंप्लेन झूठी थी तो वो आपसे भी बात करना पसंद करेंगे मिस मानूर। बिल्कुल सर, मुझे उनसे बात करने में, उन्हें वजाहत देने में कोई एतराज नहीं। लेकिन सर ये फराज साहब के साथ सरासर ज्यादती है। मैनेजमेंट उन्हें उस चीज की सजा दे रही है जो उन्होंने किया ही नहीं। और फिर आप भी तो फराज को बहुत पसंद करते हैं ना। हाँ, पसंद करता हूँ। इनफैक्ट लास्ट टाइम उसका जब केस हुआ था उसकी बेल भी मैंने गिरवाई थी। ये बात दूसरी है, वो बात अलग थी। ये हरेसमेंट इशू है, इन बातों पे बहुत शोर मचता है। प्लीज आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करें। मेरे लिए ये जॉब अहम है लेकिन उतनी अहम नहीं जितनी फराज साहब के लिए। मेरी वजह से उनके साथ ये नाइंसाफी हो इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज सर। चलें ठीक है, करता हूँ मैं बात। लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी हायर मैनेजमेंट तो आपसे बात करना ही चाह रही है। टू बी ऑनेस्ट मैं भी चाहता हूँ कि फराज की जॉब लीजिए मुझे। But let's see what happens. आखिरी फैसला तो हायर मैनेजमेंट का है। मैं भी आप ही की तरह एक एम्प्लॉई हूँ ना। जी। हरीबा। जी। जी। ये पैसे रख लो यार। इतने सारे पैसे? हाँ वो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे पैसे मांगे थे इसलिए मैंने बैंक से निकलवाए थे। उसके बाद वो एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर चला गया। खैर ध्यान से रखना, पूरे 25 लाख। 25 लाख? इतनी बड़ी रकम आप कैश में क्यों दे रहे हैं उसे? अरे भाई मैं तो चेक से पेमेंट करना चाह रहा था, उसने मुझसे कहा कि उसको कैश पेमेंट चाहिए। खैर अब संभाल के रखना, जब उसको देने होंगे मैं तुमसे ले लूंगा। मैं संभाल लूंगी। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा हाँ, शाम में तैयार है ना, कहीं चलते हैं डिनर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इतने ज्यादा पैसे कहाँ रखूं? ऊपर वाले कमरे के बेड के नीचे छुपा देती हूँ। हाँ नहीं नहीं, अलमारी में। ओहो वाह जी वाह, सिर्फ चंद घंटों में हजारों लाइक्स एंड व्यूज। ऐसी खबरें बड़ी तेजी से फैलती हैं। ये तो है। फराज साहब आप यहाँ कैसे? इतनी जल्दी पुलिस ने आपको कैसे छोड़ दिया? मानूर मैम ने वो झूठी कंप्लेन खत्म करवा दी। आई सी, तो इसका मतलब ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मानूर मैम आपको छुड़वा कर ले आए। अमेजिंग। क्योंकि वो कंप्लेन फेक थी मेरे खिलाफ। माफ कीजिएगा फराज सर, कंप्लेन फेक हो सकती है लेकिन ये जो बातें सर्कुलेट कर चुकी हैं ना, उसके बावजूद मानूर मैडम का आपकी मदद करना, ये बात बड़ी अजीब लग रही है। ये सोशल मीडिया चेक करें कैसे आपके साथ मानूर मैम की भी ठीक ठाक बदनामी हुई है। कमेंट्स तो पढ़ लें आप दोनों का तो तमाशा लगा हुआ है। बस एक बात तो माननी पड़ेगी, मानूर मैडम का दिल बहुत बड़ा है और शायद वो दिल फराज साहब पर आ गया है, तभी तो इतनी भागदौड़ हुई है। वैसे ये सब कुछ तुमने अपलोड किया था सोशल मीडिया पे? ऐसा नहीं कि और भलाई का काम और कौन कर सकता है मेरे अलावा। किरे बांध पर हाथ डाला था मेरे। हाँ मैं घर से निकल गया हूँ और पैसे मेरी बीवी के पास।
अरे सब्र करो, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में करते हैं। और हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, बाय। क्या हो गया है, तुम इतना शोर डाल रही हो? ये देखें। क्या है ये, सारे सोशल मीडिया पे आपके बारे में क्या लिखा हुआ है? आई मीन, इन लोगों ने तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन लिखी है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपका ये फराज का कोई सीन था। मन आगन। क्या बात है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? कोई खास बात? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप अपनी जॉब को लेकर परेशान है ना। इस सारे मामले में मैं आपके साथ खड़ी हूँ, और आपकी जॉब रिज्यूम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप टेंशन ना लें, कल मेरी बॉस से मीटिंग है। मैं एक बार फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया, और एक बार फिर वजह औरत थी। पहले भी मेरा तमाशा सबने देखा था, उसकी फैमिली ने उसकी वजह से मेरे घर पर पुलिस भिजवाई थी। ये हर बार मेरी तजलील एक औरत की बदौलत क्यों होती है? ये तमाशा आपका नहीं बन रहा, बल्कि ये मेरा तमाशा बनाने की कोशिश में आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। जानबूझ के आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर इसे हाईलाइट किया जा रहा है, ताकि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपकी जॉब आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? दिमाग तो ठीक है ना? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आपको आपकी जॉब दिलवाने के लिए हलकान हो रही हूँ, और आप हेमा प्लीज मेरी बात सुने, मेरा कहने का कुछ मकसद। एक लफ्ज और मत कहिएगा, वरना मैं अपना जब्त खो दूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि आप दूसरे मर्दों से अलग हैं, लेकिन मैं आपके बारे में गलत सोचती थी। आप में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है। ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस से शादी करेंगे? आप भी ठीक है ना? आप हाँ ठीक हूँ मैं। आपके चेहरे से लग तो नहीं रहा। सारे दिन आप घर पे नहीं थी, अम्मी आपके लिए इतनी परेशान हो रही थी, और अभी आप इतनी स्ट्रेस लग रही हैं। वो आपके जो कलीग वाला मसला था वो सॉल्व हुआ है? हाँ हो गया सॉल्व। आप मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम है? मतलब ऑफिस में जॉब के लिहाज से कोई मसला तो नहीं है आपको? अरे सब ठीक है, मेरे बस थोड़ा सा सर में दर्द है। मुझे चाय पिला दो एक कप। हाँ ले आती हूँ। कोई मेडिसिन ला दूँ आपको? नहीं, मेडिसिन ले ली मैंने, चाय ला दूँ। ओके। okay.
क्या हुआ बेटा, तुम सारा दिन कहाँ थे? ऑफिस गया था, आपको बताया तो था मैंने। तुमने सारी रात परेशानी में गुजारी और दिन भर तुम ऑफिस में काम करते रहे। जल्दी आ जाते, थोड़ा सा आराम कर लेते। अब आराम ही करना है? जब तक नई जॉब नहीं मिल जाती घर पर पड़ा हुआ आराम ही करूंगा। क्या तुम्हारी जॉब? हाँ, मैं केस जिस नौयत का था उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे ही होना था। अगर वो सब तो झूठ था और फिर मानूर भी तो थी ना तुम्हारे साथ? वो साथ थी और शायद अब नहीं होगी। खैर, आप फिक्र मत करें, मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू कर दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो अच्छी जॉब मिल भी जाएगी जल्दी। बस दुआ करें आप। अरे बच्चे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुम्हारे लिए चाय लाऊं, बना दूं तुम्हें चाय? नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। सच में? तुम ठीक हो ना फराज? हेलो जी फराज, कहें क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैंने वाकई बिना सोचे समझे आपको प्रपोज कर दिया और मैं जानता हूँ मैं आपके काबिल नहीं हूँ, बस आप मेरी बात को नजरअंदाज कर दीजिएगा। क्या आपकी नाराजगी? मैं जानती हूँ आपको इस बात की परेशानी है ना कि कहीं मैं आपकी हेल्प करने से पीछे ना हट जाऊं। आप टेंशन मत लें, मैं उस वक्त तक आपके साथ हूँ जब तक आपकी जॉब रिज्यूम नहीं हो जाती। मुझे अपनी जॉब की बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो तो मैं कल से ही ढूंढना शुरू कर दूंगा। इस लेवल की ना सही मगर कोई एवरेज नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। मैं आपकी वाकई बहुत इज्जत करता हूँ और ये जो लोग आपके आपके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ते हुए आपके मुताले जिस सफाकी से तबसरे कर रहे हैं उसके लिए मैं, देखिए मैं वाकई बहुत सीधा सादा सा इंसान हूं, मुझे चलाकियां नहीं आती। मुझे लगता है कि आपकी इंसल्ट मेरी वजह से हुई है और इतना ही जल्दी क्या हो गया है? क्यों इतना शोर डाल रही हो? ये देखें क्या है, ये सारे सोशल मीडिया पे आपके बारे में क्या लिखा हुआ है।
आई मीन इन लोगों ने तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन लिखी है. इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपका ये फराज का कोई सीन था. मतलब ये लोग एक्चुअल सिचुएशन नहीं बता रहे कि एक्चुअल बात क्या है. तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? अम्मी ये देखें, ये देखें. अब क्या हो गया? सारे सोशल मीडिया पे आप ही की सारी पिक्चर्स हैं. मतलब इन्होंने सारी ही न्यूज फैला दी है कि आप ही का उनके कुलीग के साथ कोई चक्कर था, कोई सीन था. ये क्या हो रहा है? कुछ ये सब कुछ सकलैन भाई की मेहरबानी. क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं वो? मुझे लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो मुझे चैन से जीने नहीं देंगे. आप ना एक काम करें, आप ये जॉब छोड़ दें, कोई और जॉब कर लें. प्लीज ये जॉब छोड़ दें आप. जॉब छोड़ने से क्या होगा? ये स्कैंडल मेरा पीछा छोड़ देगा? आज मेरा नाम फराज के साथ जोड़ा गया, कल को किसी और के साथ जोड़ा जाएगा. इसी बदनामी के डर से बचना चाहती थी मैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो ही ना जिसका मुझे डर था. आप बताएं कैसे इस बदनामी से पीछा छुड़वाऊंगी मैं? छुड़ें तो नहीं आप. शकीला, दरअसल मुझे ये कहना है कि मुझे तो उस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं. तुम उनसे कहो कि एक दो हफ्ते रुक जाए, मैं जरा फराज से. तुम्हें एतराज नहीं है, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया है. भाई क्यों? पहले तो वो दिलो जान से राजी थे. अरे उन्होंने तुम्हारे बेटे की ना इंक्वायरी कराई है और मुझे इतनी बातें सुनाई है कि किसी शरीफ घर का रिश्ता लेकर आओ. और एक बात बताओ, ये क्या कोई नया मामला चल रहा है फराज का? अरे नहीं तो. तुम्हें किसने कहा? देखो जिस तरह डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते ना, अगर तुम भी मुझे सच नहीं बताओगी ना तो मैं किसी काम में तुम्हारे हाथ नहीं डालूंगी आइंदा. किसी लड़की का मामला है ना, और मैंने तो सुना है कि फराज ने उसके साथ. अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सब झूठ है, तोहमत है. अच्छा, तो तोहमत लगाने पर एक रात जेल में भी रहकर आ गया. वाह भाई वाह, ये हर लड़की फराज पे ही क्यों तोहमत लगाती? और जब वो पहले वाली ने तलाक लेनी थी तब भी तुमने यही कहा था कि उसने तोहमत लगाई है. हालांकि एक एक मोहल्ले वाला गवाह था और आज तक यही कहते कि तुम सब ने मिलकर उस बेचारी पर जुल्म तोड़ा था, कि वो नंगे सर पैर अपनी जान बचाकर जख्मी हालत में घर से भागी थी. खैर ये बात तो खुली किताब की तरह है, वरना यूं फराज को नौकरी से नहीं निकालते. अब ये मत कहना कि ये मुझे किसने बताया. उन्होंने, लड़की वालों ने, बड़ी पहुंच है उसके भाई की. उसने फराज के दफ्तर में जाकर मालूम करवाया था और इसी बात पर उन्होंने इनकार कर दिया. सर, फराज साहब के साथ बहुत ज्यादती हो रही है. देखिए हम खुद भी नहीं चाहते कि किसी के साथ ज्यादती हो, ना फराज साहब के साथ और ना ही आपके साथ. मगर आप खुद देख रही हैं कि आप दोनों के साथ साथ कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है. हमारे बिजनेस राइवल्स इस सर्कमस्टेंसेस का बहुत फायदा उठा रहे हैं सर. ये डिसीजन जिन सिचुएशन में लिया गया, दैट सिचुएशन हैजंट चेंज्ड. जी बिल्कुल, आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है. आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. लेकिन सर, अगर मेरे रिजाइन कर देने से ये सारा मसला हल हो जाता है तो मैं रिजाइन कर देती हूँ. लेकिन सर, फराज साहब वो बहुत नीडी हैं, उन्हें इस जॉब की ज़रूरत है और आप जानते हैं कि इन हालात में उन्हें कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं मिलेगी. जबकि आप ये भी जानते हैं कि उन पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है. ये सरासर झूठ है, वो ऐसे नहीं है. प्लीज़ सर, एक बार इस बारे में ज़रूर सोचिए. वो बेकसूर हैं, मेरी बात का यकीन करें. ठीक है मिस मानो, हमने आपकी बात सुन ली. हमें थोड़ा वक्त दीजिए इस इशू को डिस्कस करने के लिए. और रही बात आपकी रेजिग्नेशन की, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप समझ सकती हैं इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि फराज ही गिल्टी है और हमने विक्टिम को ही साइड किया, विच इजंट ट्रू. जी बिल्कुल, इन्होंने ठीक फरमाया. आपको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि लोग इन बातों से अपनी मर्जी का मतलब कितनी तेजी से निकाल लेते हैं. ओके सर, मैं चलती हूँ. प्लीज इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर. थैंक यू.
एक मिनट यहाँ पे रुको, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? माहिर, excuse me for a minute. हाँ बोलो। मुझे ना तुमसे लेक्चर के बारे में बात करनी थी, वो जो सब्जेक्ट हमारा था। प्लीज रमशा, मैं सब तुम्हें पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एक काम करो, एक दो दिन के बाद आना, और अगर एक दो दिन के बाद मेरा मूड हुआ तो मैं पढ़ा। ओके भाई, जरा बात सुन यार। चल तो सही यार, चल यार। अरे यार क्या हो गया, क्या बात हो गई है यार? बात तो सुन, ये देख, ये तेरे फराज भाई है ना। तो यार ये किस्सा सोशल मीडिया पर भी आ गया। सीरियसली, क्या वाकई तेरे भाई ने अपनी बॉस को हरास किया? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये लड़की झूठ बोल रही है, भाई पे कीचड़ उछाल रही है। सीरियसली? कुछ तो कैरेक्टर लेस है और ये भाई पे इल्जाम लगा रही है। हाँ क्या तू जा, मैं चल, मिलते हैं फिर, ठीक है? हाँ। बेटा नौकरी मिली? मिल जाएगी। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर जिंदगी मुझे किस चीज की सजा दे रही है। पहले ससुराल वालों की ज्यादती है सही, झगड़ा ना हो जाए, जान बचाकर अपना हक तक छोड़ दिया, धक्के खाए, गुर्बत झेली, और आज मेरी औलाद भी मेरी तरह से मुसीबतें सह रही। या अल्लाह, अगर मेरा नसीब पर लिख दिया था तो मेरी औलाद की किस्मत तो अच्छी लिख देता। मियां, मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमारी औकात नहीं है उससे शिकवा करने की। तो किससे शिकवा करूं? कौन है मेरा उसके सिवा अपना, जिसकी आके मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं? लोग अपने बेटों की शादी ब्याह करते हैं उनका घर बसाने के लिए, खुशी की खातिर, मगर मैं अपने हाथों मुसीबत उठाकर ले आई। उस बदबख्त ने जो जिल्लत हमारे मुंह पर मली सो मली, मानूर भी उसे 10 हाथ आगे निकली, उसने तो हमसे हमारा रिस्क भी छीन लिया। आगे लगता है कि तुम्हारी तरह मेरी आयमा का रिश्ता भी नहीं होगा। इसमें मानूर का कोई कसूर नहीं है। वे किसका कसूर है? आपका? ये देखा आपने सोशल मीडिया में आपके बारे में क्या न्यूज चल रही है? यूनिवर्सिटी में हर कोई मुझसे पकड़ पकड़ के पूछ रहा है कि तुम्हारे भाई ने उस लड़की को वाकई में हैरेस किया है। मैं क्या उन्हें जवाब दूं कि वो लड़की ही ऐसी है? भाई,